आपको ये बताया जाए कि हमारे भगवान श्री कृष्ण उनके बच्चे भाई बलराम की शराब इत्यादि का सेवन करते थे तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? अब जरा आप पहले इस वीडियो को देखिए। जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं। ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका। फेल, टोटली फेल हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन। उसकी जनता, उसके बेटे, बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे। आजकल समाज में इतने धूत्र, इतने नीच लोग पैदा हो गए ना कि मन करता है कि उनकी A4 आरती, B4 बलाई लेकर, C4 आटो विचाटो से स्वागत करें उनका। अब और ये कहानी यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि इनको गूगल पर विकिपीडिया के जरिए भी बदनाम करने की संपूर्णता कोशिश की है। महाराज जी का नाम, सॉरी देखो मैं इनको महाराज जी तो बोल नहीं सकता, और अब इनका नाम है मुरारी बापू, जो कि गुजरात से हैं, और ये भगवत गीता की व्यास पीठ पर बैठकर हमारे श्री कृष्ण को बदनाम करने पर इन्होंने जो टिप्पणियां की है वो बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। क्या इनको ज़रा भी हमारे श्री कृष्ण के बारे में थोड़ा भी स्मरण है कि वो क्या थे? इन्होंने तो सिर्फ ऐसा कर दिया जैसे जो पड़ोसी के साथ हमारा रोज का लड़ाई झगड़ा होता है, तो बस की जैसे छोटी छोटी बातों पर हम पड़ोसी से लड़ बैठते हैं, तो वैसे इन्होंने श्री कृष्ण को भी वैसे ही जोड़ दिया कि कोई भी बात होगी हम श्री कृष्ण को बदनाम करेंगे, श्री कृष्ण को अरे वो तो स्वयं श्री जगत पालनहार हैं, वो तो सृष्टि की रचयिता हैं, तुम उनको कैसे इस चीज़ से जोड़ सकते हो उनको उनके परिवार पर? देखो हम बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही बिल्कुल सहन करेंगे। आपको बताते हैं कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु किस प्रकार हुई थी और जो वो बहेलिया था जिसने तीर चलाया वो कौन था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे भगवान श्री कृष्ण ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बालिका छुपकर तीर मारा था। ठीक उसी तरह कृष्ण अवतार में भी भगवान श्री कृष्ण ने बालिकोरा नामक अबहेलिया के रूप में अवतार लेने को कहा और खुद पर तीर चलाने को कहा। तो इस तरह हमारे प्रभु श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। हमारे प्रभु श्री कृष्ण पूरी सृष्टि के रचयिता थे, तो क्या उनको ये नहीं पता था कि उनका परिवार आगे जाकर कहाँ पहुँचेगा, किस रास्ते पर जाएगा? तो उनको सब पता था ना, तो इसीलिए उनके परिवार ने बिल्कुल भी ना ही कोई शराब का सेवन किया था, ना ही किसी तरीके के गलत मार्ग पर चला था। तो इन झूठे पाखंडियों की वजह से ही आज हमारे श्री कृष्ण पर उंगलियां उठती है और हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप भी सच्चे कृष्ण भक्त हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।